बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मुरादाबाद में टाउन हॉल पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सभी मोर्चे के पदाधिकारियों का ये कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही कई प्रदेशों में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जीत की खुशी में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। शहर के टाउन हॉल पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने पहुंचकर राहगीरों को मिठाई वितरित की और अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास को लेकर पूरे प्रदेश देश के लोग आज नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम ये था कि बिहार के अंदर हमारे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल उभर कर करके और हमारे वहाँ पे सरकार बनाई है, ईमानदार सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने हमें उपचुनाव में बढ़िया अच्छी सफलता मिली है और माननीय योगी के हाथ को मजबूत किया है और मध्य प्रदेश में जो हमारे उपचुनाव हुए हैं वो अच्छी और बढ़त के साथ सीट बनी है, मजबूत सरकार बनाई है जनता ने और प्रशासन ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने ईमानदार सरकार बनाई। इसलिए एक ही उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी अब संगठन के करवट कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि आज हमारी ये दिवाली और दशहरा एक शांति उजाले लेकर आई है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। इसी खुशी में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मिठाई बांटी है। निमित जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज ये मिठाई बांटने का? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलायंस के बाद बिहार में जो सरकार बनी है उससे यह साफ हो गया है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसे देश की जनता ने पसंद किया है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी 350 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी और दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में ही भाजपा की सरकार बनेगी। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के एहसान फारूकी जी महामंत्री जी के द्वारा मिठाई वितरण कार्यक्रम हुआ है। बिहार चुनाव की जीत और उपचुनावों में जीत मिली है, आगे भी इसी तरह से हम सभी जगह जीत हासिल करेंगे और पूरे देश में एक बार फिर से कमर खिल जाएगा। हर राज्य में भाजपा की सरकार होगी, हर राज्य में भाजपा का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उसी को लेकर काम किया जाएगा।